मुंगेर में दिनदहाड़े लूट, बाइक सवार बदमाशों ने रिटायर्ड रेलकर्मी से लूटे 2 लाख। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दरअसल मामला है मुंगेर जिले के जमालपुर शहर के ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती दे डाली है। बदमाशों ने SBI ब्रांच से 2 लाख रुपए की निकासी कर निकल रहे सेवानिवृत्त रेलकर्मी से दिनदहाड़े छीनती की घटना को अंजाम दे फरार हो गए हैं। पीड़ित रेलकर्मी की पहचान ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र के नयागांव निवासी भोला दास के रूप में हुई है। घटना के बाद सूचना मिलते ही पुलिस मामले की छानबीन और आसपास लगे CCTV फुटेज को खंगालने में जुट गई है। भोला दास ने बताया कि वे SBI ब्रांच ईस्ट कॉलोनी शाखा से 2 लाख रुपए की निकासी कर पोस्ट ऑफिस में फिक्स करने जा रहे थे। इसी बीच बैंक से नीचे आते ही बाइक सवार 2 बदमाशों ने उनके हाथों पर झपट्टा मार उनसे रुपए से भरा बैग छीन लिया और चलते बने। पीड़िती ने आगे बताया कि झोले में पासबुक, चेकबुक, ATM कार्ड भी रखे थे। घटना से बदहवास वे ईस्ट कॉलोनी थाना पहुंच मौजूद पुलिस पदाधिकारी को घटना से अवगत कराया। तब जाकर पुलिस टीम बैंक व आसपास के CCTV फुटेज को खंगालने में जुटी। वहीं घटना के संबंध में प्रभारी थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि रिटायर्ड रेलकर्मी से दिनदहाड़े 2 लाख रुपए की छीनती हुई है। पुलिस जांच कर रही है, बदमाश बच नहीं पाएंगे। बैंक में व आसपास मौजूद लोगों ने ईस्ट कॉलोनी थाना पुलिस की पेट्रोलिंग गश्ती पर सवाल उठाते हुए कहा कि गश्ती दल का काम सिर्फ DIG के प्रस्थान व आगमन के समय पर बस जाम क्लियर रखना है, आम लोगों की सुरक्षा से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। जबकि बैंक व इसके आसपास हमेशा असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, परंतु पुलिसकर्मी है कि ऐसे लोगों की जांच कर कार्रवाई करने के बजाय मुखदर्शक बनी रहती है। हाँ। जुम और जुम इन्नत को उन्हें कर रहे कर रहे उन्हें कर सब अपने अपने जो काम पे बैठे हैं वो बैठ जाइए, यहाँ बैठे अपने।